जय हिंद दोस्तों दोस्तों जसवी जर्नी क्लब की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टेशन का ओवरव्यू करेंगे जिस स्टेशन का नाम है गंगसर जैतो। तीन प्लेटफॉर्म का ये बहुत ही सुंदर सा शांत स्टेशन आप देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर एक है, सामने प्लेटफॉर्म नंबर दो तीन, और ये सबसे पहले आप देखिए गंगसर जैतो का सुंदर सा बोर्ड। दोस्तों इस स्टेशन की बात कर ली जाए, गंगसर जैतो फरीदकोट जिले के अंदर पड़ता है, एक छोटा सा कस्बा है गंगसर जैतो। और इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे, फिरोजपुर से इसकी दूरी लगभग लगभग 60 किलोमीटर है, बठिंडे से इसकी दूरी 25 किलोमीटर है, यानी कि ये जो गंगसर जैतो स्टेशन है फिरोजपुर बठिंडा रेलखंड पे पड़ता है, रेलवे सेक्शन पे, एक बहुत ही कह सकते हैं एक ज़रूरी स्टेशन है। यहाँ पे तकरीबन हर गाड़ी रुकती है, जैसे कि पंजाब मेल, पतालकोट एक्सप्रेस, सोमनाथ एक्सप्रेस, जम्मू तवी जो भगत की कोठी एक्सप्रेस, फाजिलका दिल्ली इंटरसिटी, और हर पैसेंजर तो यहाँ रुकती है। कुछ ट्रेनें ऐसे प्रीमियम ट्रेन्स निकलते भी हैं पर रन थ्रू निकलती हैं, तो आगे चल के क्या पता उन सभी को यहाँ पर स्टॉपेज दे दिया जाए। जैसे कि यहाँ से फिरोजपुर रामेश्वर हमसफर रन थ्रू निकलती है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वो भी यहाँ से रन थ्रू निकलती है, त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस जैसे कि आप जानते हैं फिरोजपुर अगरतला के बीच में चलती है। दोस्तों स्टेशन की बात कर लीजिए, शेड्स वगैरह बिल्कुल नहीं है, छोटे छोटे शेड्स है ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और प्लेटफॉर्म ये जो एक नंबर प्लेटफॉर्म है ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक ठाक ही है, 14-15 कोचेज की ट्रेन यहाँ आती है, पर हाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर पूरी ट्रेन आ जाती है, LHB ट्रेन पूरी आ जाती है वहाँ पे। वो सामने आप देख रहे हैं ट्रक्स के लिए भी बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेट ट्रेन की लोडिंग अनलोडिंग भी होती है। और पेड़ वगैरह बहुत अच्छे लगा रखे हैं, ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा हुआ, जैसे साउथ में होता है ना वैसे देखिए। और इस स्टेशन की बिल्डिंग जो आप अभी देख रहे हैं वो बहुत पुरानी है, देख सकते हैं शायद आगे चल के अमृत भारत योजना के तहत इस स्टेशन को भी अपग्रेड कर दिया जाए। सामने आप ये पुल देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में बनाया गया है। और खाने पीने की दोस्तों अगर बात कर ली जाए, यहाँ पे आपको एक भी स्टॉल नहीं मिलेगा, मतलब चाय का तो एक चाय का स्टॉल तक नहीं है यहाँ पे, खाने पीने की तो बात छोड़िए, शांत स्टेशन है। और हाल ही में ये सेक्शन अब इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, और इस रूट पे अभी चलती हैं आप पंजाब मेल इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ, और जैसे ही फिरोजपुर में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा तो सारी ट्रेनों को इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्शन के साथ चलाया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को गंगसर जैतो का छोटा सा ओवरव्यू कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और एंजॉय किया अगर आपने इस वीडियो को। एक सुंदर से मतलब जो बड़े बड़े स्टेशन में जो होते हैं रश क्राउड होता है वो यहाँ पे नहीं है, एकदम शांत, एकदम मतलब इस शांति को महसूस कर पा रहे होंगे। अगर आपने एंजॉय किया इस वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।